जीव परमात्मा का सखा है, पर संसार में आके सब भूल जाता है। पुरंजन नौ छिद्रों वाली नगरी में रहता है, वो नौ छिद्रों की नगरी हमारा शरीर ही है। पुरंजनी से विवाह करता है और पुरंजनी कोई और नहीं, हमारी बुद्धि और हमारा मन ही है। ये पांच प्रकार के जो प्राण हैं, बाण अपान शान उदान और धनंजय, चार प्राण तो प्राण निकलते समय निकल जाते हैं, पर एक वायु जो है वो कपाल क्रिया के बाद निकलती है, जो मस्तक में विराजमान रहती है। बच्चा बांस की बड़ी सी डंडी लेकर खोपड़ी में मारता है, तब धनंजय नाम की वायु निकलती है। बच्चे होते ही खोपड़ी फोड़ने के लिए, न फोड़ी जाए तो फिर वो वायु निकलती नहीं है। धीरे धीरे जरा नाम की बुढ़ापा इस शरीर पर आकर आक्रमण कर लेती है, बाल पकना शुरू, दांत गिरना शुरू, आंखों से दिखना बंद, और एक दिन जाने का समय आ जाता है। तो भक्तों ने भगवान से कहा कि भैया, जाने से पहले थोड़ा इशारा कर दिया करो तो हम लोग तैयारी कर लें। मृत्यु के पहले थोड़ी इशारा तो कर दिया करो, इतना तो कर सकते हो आप, इतने सहज हो। भगवान ने कहा ठीक है, कर दिया करेंगे। मृत्यु की पहली घंटी है आपके बाल का पक जाना। जिनके जिनके बाल पक गए हैं वो बात समझ लें कि मौत की पहली घंटी बज चुकी है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि सबसे पहले बाल जानते हो कहां पकते हैं? कान के पास। क्यों? क्योंकि कोई महत्वपूर्ण बात कहनी हो तो लोग कान में ही कहते हैं, है ना? कोई गुप्त बात कहनी हो तो कहां कही जाती है? कान में। इसलिए सबसे पहले बाल कहां के पकते हैं? कान के पास। और बाल पक्कर के कहते हैं कि हमने अपना कालापन छोड़ दिया, अब तुम लोग भी अपना कालापन छोड़ दो, ममता छोड़ो, अहमता छोड़ो, बीड़ी पीना छोड़ो, बहुत पी चुके, अब अच्छा काम करना शुरू कर दो। महाराज चक्रवर्ती के कान के पास बाल पके तो महाराज चक्रवर्ती तुरंत समझ गए कि महाराज अब मौत की पहली घंटी बज चुकी है, अब इस अयोध्या के राज्य को भगवान श्री राम को सौंप देना चाहिए। आपके भी कान के पास बाल जब पक जाए तो फिर सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे बच्चों को देना शुरू कर दो, और ज्यादा से ज्यादा भजन करने में मन लगाना शुरू करो। लेकिन जैसे जैसे बाल पकते हैं वैसे वैसे माया प्रबल होती है। बच्चा चाभी छुड़ाना चाहता है और आप चाभी छोड़ना नहीं चाहते हो, अब बस वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो कान के पास बाल पके तो तैयारी बनाना शुरू कर दे। पर आजकल तो पता ही नहीं चलता है, गोदरेज की डाई आती है, बढ़िया लगा लेते हैं, सबके बाल काले के काले ही रहते हैं, किसी के सफेद दिखते ही नहीं है। डाई लगा करके एकदम चकाचक बढ़िया कलिया बना लेता है। लेकिन बाल पके तो समझ लो कि मौत की पहली घंटी बज चुकी। महाराज समझ गए, श्रवण समीप भय सित के सा मनहु जरठपन अस उपदेश। कान के पास बाल पक जाए तो समझ लो कि मौत की पहली घंटी बज चुकी। पर डरना नहीं है, डरना नहीं है, तैयारी करना है।
जैसे संसार के लिए तैयारी किए वैसी तैयारी ऊपर के लिए करो। चलेंगे वहां देखेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मौत की पहली घंटी है बाल पक जाना, दूसरी घंटी आंखों से दिखना कम हो जाता है। अब बढ़िया चश्मा लगा लेते हैं, उसमें क्या है, चकाचक दिखने लगता है। तीसरी घंटी दांत गिर जाते हैं, पदार्थ खाना छोड़ो। लेकिन आदमी बढ़िया सोने की दांत लगवा लेता है। अच्छा सोने की दांत लगवा लो तो चोरी होने का भी डर रहता है, पता चले कि दांते तोड़ के कोई ले गया। भाई चोरों को क्या है, तुम्हारी दांत देखेंगे कि सोने का है तो वही पत्थर से तोड़ के ले जाएंगे। चौथी मौत की घंटी है घुटने में दर्द होने लगना, कि घर छोड़ करके जाना बंद करो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, घूमना टहलना आना जाना बंद करो, प्रपंच करना बंद करो। चौथी घंटी बज चुकी, क्योंकि अब घंटी नहीं बजेगी, अब तो सीधे सीताराम होगा। इसलिए तैयारी बना करके रखो। भगवान चार मौका देते हैं और पांचवा नहीं देते। ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे कुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे कुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे कुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तालियों की सेवा देते हैं धूप के हरिवा। क्या लायो माटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में, पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में, तू डूब के मर जा रे कुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे कुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे कुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाई के ले जा रे
कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई नहीं पायो, कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई नहीं पायो, तो डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में, ना राम नाम लियो तेरे भरी जवानी में, ना राम नाम लियो तेरे भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, तेरे बालापन खोयो, तेरे बालापन खोयो, यूं आना काली में, सभी के दोनों हाथ से भाव के साथ, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लियो तने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लियो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में।